नमस्कार दोस्तों, माईसेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्थल भर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन टेंशन है व्हाट टू डू, यानी कि चिंता है क्या करें। सबसे पहले मैं अपने बेटे आशीष, मिस्टर आशीष सैनी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने इस प्रेजेंटेशन की थंबनेल बनाने में मेरी मदद की और इसकी रिकॉर्डिंग में मेरी मदद कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चिंता ऐसा कोई शख्स, कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा जिसको टेंशन ना हो, चिंता ना हो। छोटे बच्चे को भी टेंशन है, पढ़ने वाले बच्चों को भी टेंशन है, जो पढ़ाई के बाद नौकरी कर रहे हैं उनको भी टेंशन है, बड़े बूढ़ों को भी टेंशन है। किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को शादी की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को रोजगार की चिंता है। तो अब हम इस चिंता का क्या करें। हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कोशिश करते हैं मिलजुल के कि किस तरह से हम इसको जो है कम करें, इसका हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं कंट्रोल में आती तो डॉक्टर्स आर अवेलेबल, जो अपनी दवाई से ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी को याद करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी को नमस्कार करते हैं कि वो हमें इस टेंशन, चिंता रूपी चिंता से मुक्त कराने में हेल्प करें। आप किसी भी भगवान, गॉड, गुरु, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसको जो है, जिसको भी आप मानते हैं परम शक्ति को, उसको आप उसकी वंदना कीजिए, उसको उसके चरणों में शीश झुका के अपना ये जो चिंता मुक्ति अभियान है इसको शुरू करें। हम भी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले, चिंता किस वजह से हो सकती है, उसका जो मूल कारण है, जो प्रॉब्लम है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली चिंता का मूल कारण होता है या तो हमारा पास्ट है या फ्यूचर है। पास्ट में हमने कोई गलती की या हमें सही काम करना था वो हमने नहीं किया, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में तो जा नहीं सकते। हाँ, आज के संदर्भ में जो भी हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं उसको सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्यूचर की जो टेंशन है उसके लिए मेरे पास सलूशन है। वो हम सब जानते हैं कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल के भविष्य को संवारने के लिए हमें आज अच्छे काम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि कल हमारा जो कल की जो मेरी टेंशन है वो ना रहे। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, आशावादी होना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो टेंशन की वजह से लूज़ हो रहा है या हमारा
कॉन्फिडेंस लूज है, इस वजह से हमें टेंशन हो रही है, तो ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रिगेन करना पड़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रिगेन करने के लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप ही वो शख्स हैं जो अपनी चिंता को ठीक कर सकते हैं। आप बाहर ढूंढते हैं, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु तो मन में है और हम सारे जगत में, मंदिर में, शिवालय में और पता नहीं कहाँ कहाँ, नदियों में और कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, और प्रभु आपके अंदर ही है। जैसे कस्तूरी जो मृग है वो उसके जो हिरण है उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो सारे जग में ढूंढता है। तो उस तरह से आपके अंदर ही छिपी हुई टैलेंट है, आप उसको पा सकते हैं। अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। और तभी अच्छा होगा जब आप दूसरे से कंपैरिजन नहीं करेंगे, जलसी नहीं करेंगे, जेलस नहीं होंगे, उससे कंपटीशन नहीं करेंगे, तो आपका जो मन में जो बेचैनी है वो कम होगी। जब हम किसी के को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना आपने। आपने दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी, आपने अपनी लाइन बढ़ानी है, मेहनत करनी है, अपने में योग्यता डेवलप करनी है और अपने अंदर इतनी खूबी पैदा कर देनी है, अपने अंदर इतने पॉजिटिविटी, पॉजिटिव काम कर देने हैं कि आपके अच्छे कामों की जो लिस्ट है वो दूसरे से कहीं आगे निकल जाए। तो अपने जब आप अच्छा काम करेंगे और दूसरे से को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी एनर्जी 100% आपके अपने उत्थान में लगेगी, जिससे कि आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इससे इसके लिए आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं, मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बड़े हैं आपसे, उनका आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के उनको नमस्कार कीजिए, उनके पैर छूइए, बहुत ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। उनकी इज्जत कीजिए, उनका कहना मानो, आपको एक अंदर सुकून मिलेगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। जो प्रेजेंट है आपका उसमें जीना है, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में की हुई गलतियों को भूल जाओ। हाँ आज हमने वो गलती नहीं करनी है, हमने फ्यूचर में भी वो गलती नहीं करनी। फ्यूचर की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आज, प्रेजेंट। तो आज आप सोचिए कि आज मैं क्या करूं, आज शाम तक मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूं, अपनी जो चिंता है उसके सॉल्यूशन की तरफ एक इंच, दो इंच, एक कदम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं। आज में आप प्रेजेंट में जीना है। अब दिन की शुरुआत है, सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आजकल जिम वगैरह नहीं खुले हैं या कम खुल रहे हैं, तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं वो कीजिए, ज़रूर कीजिए। जो
उसके बाद जो हम खाना खा रहे हैं उसके प्रति आप ध्यान रखिए। जो भी आप खाना खाएंगे फ्रेश खाइए, फ्रिज में रखा हुआ 5-6 घंटे 8 घंटे बाद वाला खाना नहीं खाइए। ताज़ी सब्जियां, ताज़े फ्रूट्स, जो भी खाओ ताज़ा खाओ। उससे आपकी जो पेट की बीमारी नहीं होगी, फ्रेश रहोगे, सोच में बहुत बदलाव आएगा। नींद पूरी करनी है आपने, 6-8 घंटे सोना है। चिंता हो जो मर्जी हो, आपने सोना है, टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। जब आप एक पूरी नींद लेके उठते हैं तो पूरा दिन आपका फ्रेश जाएगा, आप फुल ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपने मोबाइल है चार्जिंग पे लगाया, 10% हुआ निकाल लिया, इस्तेमाल करने लग पड़े, अरे एक बार 100% तो होने दो। तो जो 6-8 घंटे की नींद है ये आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को रिचार्ज करती है, फुल ऑफ एनर्जी, आप पूरा डट के अलर्टनेस के साथ पूरे होश में अच्छे से काम करोगे, पढ़ोगे अच्छे से। तो जो चिंता है, चाहे वो पेपर की चिंता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की चिंता है, तो उसके सॉल्यूशन की तरफ आप अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से उसका सॉल्यूशन सोच सकते हो, क्या करें अब और नया क्या करें जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, चिंता हटे। अब टाइम का है, आपके पास टाइम तो देखो 24 घंटे ही है, 6-8 घंटे तो आप सो लिए और कुछ काम खाने पीने का और फ्रेश होने का, एक्सरसाइज वगैरह में निकल गया। तो अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपने जो और टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो टाइम वेस्टर्स हैं, बार बार मैं ये कहता हूँ टाइम वेस्टर्स को कम करो। जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपका ध्यान उसके सॉल्यूशन की तरफ लगने है। अगर चारों तरफ शोर होगा, चारों तरफ कोई डिस्टरबेंस होगी, तो आपका जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब आपके लिए क्या प्रॉब्लम, आपके लिए क्या डिस्टरबेंस हो सकती है, ये जो आपका मोबाइल है जिस पे आप ये देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी डिस्टरबेंस है। अब इसके हर टेक्नोलॉजी के अच्छे यूज़ भी हैं और बुरे यूज़ भी। अगर आप इसमें गेम खेल रहे हो, आपके पेपर आ रहे हैं और आप इसमें गेम खेल रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, टिकटॉक कर रहे हो, तो वो जो है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब पेपर ख़त्म हो जाए करिए ना, टिकटॉक देखिए, फिल्म देखिए, घूमने जाइए, पार्टी करिए, सब काम करिए, तो वो टाइम वेस्टर्स में नहीं आएगा, तब तो वो माइंड को फ्रेश करने के लिए आएगा। लेकिन इनको अवॉइड कीजिए। टीवी देखना है कम देखिए, अपना ध्यान पेपर हैं तो पढ़ने में लगाइए, जितना पढ़ लेंगे उतना ही आपका टेंशन कम होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल की जगह अपने परिवार वालों के साथ लगाइए, दोस्तों के साथ नहीं मैं कह रहा, परिजन परिवार वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, क्योंकि उनका कोई अपना मोटिव नहीं है, वो आपकी भलाई में ही उनकी भलाई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही उनका उनको खुशी मिलेगी, सच्ची खुशी मिलेगी। दोस्त, सच्चा दोस्त मिलता नहीं, सच्चा दोस्त मिल जाए तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गए हैं आजकल, सब सेल्फिश हैं, सब अपने मतलब के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। तो फैमिली वालों के साथ रहो, उनके साथ कम से कम खाना खाओ, अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करो, जो बड़े हैं वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर पढ़ाई में तो ठीक है भाई, हो सकता है
उन्होंने वो पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, वो कोई हेल्प ना कर पाए, लेकिन जो है दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें चिंता में वो अपने एक्सपीरियंस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको गाइड कर सकते हैं, और उनकी गाइडेंस सच्ची गाइडेंस होगी क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देख रखी है। और जब आप परिवारजनों के साथ समय बिताते हैं तो आपका माइंड फिर से रिचार्ज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, दुगने उत्साह के साथ आप लग जाएंगे अपनी टेंशन को ठीक करने में, सॉल्व करने में। अगर पेपर है तो पढ़ाई में लग जाएंगे, बीच में जब आप फ्रेश होना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम परिवारजनों के साथ बिताइए, मोबाइल पे टीवी पे मत लगाइए। इसके बाद अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, दोस्तों यारों के साथ ये जो सोशल सर्विस कर रहे हैं आप, अपने पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपनी स्किल डेवलपमेंट करो, अपने आप को एनरिच करो ज्ञान के माध्यम से, आपकी कोई हॉबी है उसमें जो है आप आगे बढ़ो, अपने शरीर का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो मास्क पहनो, हाथ धोने हैं, बाहर फालतू में नहीं जाना, बहुत ज़रूरी है तो ही निकलना है, तो उस तरह से हमने अपना भी ध्यान रखना है। अब जब आप कोई भी काम करो तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं, मेरे ऐसा करने से क्या मेरे माँ बाप खुश होंगे, क्या उनको खुशी मिलेगी। जब आप ये सोच लेंगे तो आपके जो गलत काम की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं वो रुक जाएंगे। तो जब आप गलत काम नहीं करेंगे प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में आने वाली दिक्कत, परेशानियाँ और टेंशनें आदि से ज़्यादा तो वैसे ही कम हो जाएंगी। तो ये जो सोच है, ये जो एक मिनट, जो कोई भी गलत काम करने से पहले एक मिनट ज़रूर सोचिए, क्या मेरे माँ बाप इस बात को अप्रूव करते हैं, इस एक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमने ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हमने ये जो टेंशन है, ये जो चिंताएं हैं, ये माइंड से रिलेटेड हैं, दिमागी मानसिक तौर पे जो है चिंता होती है। तो हमने अपने माइंड को किसी को भी अपने माइंड से खेलने की इजाज़त नहीं देनी है, क्योंकि लोग माइंड वॉश कर देते हैं, आपको कन्विंस कर देंगे ये काम कर लो, 100 रुपये लगाओ 200 रुपये मिल जाएंगे, 2 घंटे में डबल हो जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने दिमाग से किसी को खेलने ना दो, अपना शांति के साथ न्यूट्रली बैठ के सोचो। अगर कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, अपने मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से, बड़े बूढ़ों से, जो दादा दादी हैं उनसे डिस्कस करो, वही आपको जो है सही राह दिखाएंगे। किसी का मोहरा ना बनो, अपना स्वतंत्र तरीके से सोचो, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज आपका सही कदम आपको कल के गड्ढे से बचाएगा। अपने स्वामी खुद बने, अपने स्वामी खुद बने, अच्छे जो भी करें अच्छे से सोच विचार कर करें, अच्छा करें। मैंने स्ट्रेस किया कि आपने अपने जो दिमाग है उसको अच्छे से सोचना है, मेरे को जो है अच्छा करना है, मुझे
किसी भी सूरत में गलत नहीं करना। गलत रास्ता पकड़ के मेरे को मंजिल नहीं पानी, पेपर की तैयारी करनी है, पेपर में अपीयर होना है, तो मैं सही तरीके से मेहनत करके पढ़ के अच्छे नंबर लाऊंगा। गलत काम करेंगे टेंशन होगी और हो सकता है कि और भी गलत परिणाम भुगतने पड़े। तो अच्छे से ईमानदारी से आज से ही बिना चिंता मुक्त होके पढ़ाई करो, पेपर की तैयारी करो, और चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भले आदमी ने कहा है कि चिंता जो है वो चिता समान है। चिंता में टेंशन में आप इतना जो है शरीर का नुकसान कर दोगे, मानसिक नुकसान कर दोगे, अपना आज का जो समय है जो आपके हाथ में है उसको भी जो है आप खो दोगे। और शॉर्टकट अपनाओगे तो गलत काम करोगे और फिर उसके गलत नतीजे निकलेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रभु पे भरोसा रखते हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अच्छा खाना खाते हुए, थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए, अच्छा सोचते हुए, अच्छे विचारों के साथ अच्छा काम करेंगे आज सुनहरे भविष्य के लिए। पास्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो हम जो है अपनी चिंताओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू माय प्रेजेंटेशन। मेरे सुझाव इनको अपना के कोशिश कीजिए, और जो थंबनेल है उसमें मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं सारे पॉइंट्स ना कवर कर पाया हूँ, तो जो है कोई अगर आपको लगता है तो आप मेरे को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू वंस अगेन विद अ कॉन्फिडेंस दैट आपकी चिंताएं कम हों, आपकी टेंशन्स कम हों, और उसको जो है उस पर आप विजय पाएं। एंड इन द एंड आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी वंस अगेन फॉर टाइप सेटिंग ऑफ थंबनेल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू।